अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई यार, आज का व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अभी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आए हैं। बहुत से बच्चों ने जनाब मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी कि जनाब आप जो है हमें स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएं ताकि हम स्टार्टिंग में उसे अप्लाई कर दें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे जिनको पता भी नहीं होता, डेट्स गुजर जाती हैं और वो जो है वो खुद फीस फिर भर रहे होते हैं। सारी बात है, भरनी तो होती है, लेकिन अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको एक बहुत बड़ा जो रिलीफ मिल जाता है, आपको भी और आपके घर वालों को भी। तो मेन चीज ये होती है, आपने फोकस करना होता है कि कौन सी स्कॉलरशिप ऐसी है जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो इसीलिए आपको हर तरह की स्कॉलरशिप के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में जनाब हम सारी स्कॉलरशिप जो कि अभी अवेलेबल हैं, जो चल रही हैं, उनके बारे में फिर आपको मैं ब्रीफ करूंगा। ठीक हो गया, तो फिर जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब सबसे पहले जो स्कॉलरशिप हमारे पास आ जाती है वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की गई स्कॉलरशिप है, और यह है जनाब HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक हो गया, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है ये स्कॉलरशिप नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करता है, और हमारे पास इस टाइम 2024 का और 25 का सेशन जो है वो अवेलेबल है। अगर जनाब हम इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन की बात करें तो ये है जनाब 25 अक्टूबर 2024, यानी कि जनाब 25 अक्टूबर 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अभी हम देख लेते हैं कि जनाब कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि स्टूडेंट्स इन एनी सेमेस्टर, यानी कि किसी भी सेमेस्टर में आप हों आप अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्निंग हो या इवनिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, इन ऑल डिसिप्लिनस किसी भी डिग्री में हों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर शर्त है वो क्या है कि अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक हो गया, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर आपका सेमेस्टर कौन सा है, डजेंट मैटर आपकी डिग्री कौन सी है, चाहे मॉर्निंग है चाहे इवनिंग है, कोई मसला नहीं। आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, आप हर सेमेस्टर आप हर डिग्री में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद जनाब एप्लीकेशन का क्राइटेरिया क्या, आप किस तरह से जो है इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो जनाब पहली चीज़ जो यहाँ पे दी गई है वो ये है कि जो बच्चा है ना वो एडमिट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि आप मेरिट पे जो है वो यहाँ पे एडमिट हुए हों फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद आपकी जो फैमिली है ना वो वाकई फाइनेंशियली जो है वो सोसाइटी में डिसएडवांटेजेस का शिकार हो, यानी कि वाकई जो है वो बेचारे आपकी फ़ीस जो है वो पे ना कर सकते हो, वाकई डिजर्विंग हो। ठीक है, उसके बाद जनाब तीसरी जो चीज़ है कि जब आपके इंटरव्यूज़ के लिए जो भी शेड्यूल या जो भी वेन्यू डिसाइड किया जाएगा आपको वहाँ पे होना पड़ेगा ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम। ठीक है, आपको टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। देखिए सारी बात है, अगर आप नीडिंग हैं और अगर आप डिजर्विंग हैं तो आप वाकई में चीज़ के लिए डेस्परेट होंगे और आप खुद ही जो है वहाँ टाइम पे पहुँच जाएंगे। ठीक हो गया ना, और उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आपने ये चीज़ श्योर करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है वो लीगल हो, और अगर आपने जनाब डिग्री वगैरह छोड़नी है तो आपने इन्फॉर्म करना है। ठीक है, वरना किसी भी चीटिंग या किसी भी दो नंबरी के केस में जो है वो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। एंड सीरियसली स्पीकिंग मेरे दोस्तों के साथ ये हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देवर नॉट डिजर्विंग, उन्होंने जो है वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स या कह लें कि दो नंबर डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाए थे, झूठ लिखा था, तो उनको जो है वो पेनल्टी हुई थी, उनको 10-10 हज़ार एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था अपनी स्कॉलरशिप के अलावा भी। ठीक हो गया, तो लिहाजा आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वही देने हैं, वही इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। तो जनाब उसके बाद हमारे पास आ जाती है पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ वेलफेयर फंड स्कॉलरशिप, यानी कि जनाब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अकलियतें हैं, यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए वो लोग मुस्लिम्स नहीं हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, या जनाब मतलब किसी और कल्चर से उनका ताल्लुक है, ये सारा जो सीन है ना, जो लोग भी अकलियतों में आते हैं ना उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। ठीक हो गया, यानी कि जनाब मुझे ये कदम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखें एज ए पाकिस्तानी आपको बहुत सी जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन जो लोग अकलियतों में आते हैं माइनॉरिटीज़ में आते हैं उनके बारे में भी सोचा गया, उनके लिए भी जनाब एक मोहब्बत का पैगाम है ये कि उनके लिए भी जनाब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डेवलप की जाती हैं हमारे पाकिस्तान में। जनाब क्या बात है, तो ये जनाब हमारे पास 2024 और 25 के लिए इसका सेशन अवेलेबल है। तो जनाब अगर हम इसकी डेडलाइन की बात करें तो 31 अक्टूबर 2024 तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और क्राइटेरिया जनाब इसका बड़ा सीधा सा है कि जो भी लोग माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं जनाब, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 2024 से 2025 के सेशन में। उसके बाद जनाब हमारे पास एक और गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप आ जाती है, जो कि है जनाब PEEF की स्कॉलरशिप, पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप। ठीक हो गया, ये जनाब आपको मैट्रिक और FSC लेवल पे भी फैसिलिटेट करते हैं। ठीक हो गया, और जनाब इनका 2024 से 25 का सेशन यहाँ पे अवेलेबल है, और अगर जनाब इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो जनाब 25 अक्टूबर 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब के कौन लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो मेन चीज़ तो जनाब सब में यही आएगी कि डिजर्विंग हो स्टूडेंट,
और जो दूसरी चीज़ यहाँ पे दी गई है वो है कि स्टूडेंट टैलेंटेड हो, यानी कि वाकई पढ़ने में अच्छा हो, वाकई कुछ करने की जो है वो सलाहियत रखता हो। और उससे भी मेन चीज़ है कि जनाब स्टूडेंट जो है वो 2024 से 25 के सेशन में एडमिट हुआ हो, यानी कि जनाब जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ना ये उन्हीं के लिए स्कॉलरशिप है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी बच्चा जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। यानी कि जो भी बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में आया है 2024 और 25 के सेशन में, चाहे वो इंटरमीडिएट में आया चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे आया, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये भी जो है अंडर ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट के लिए स्कॉलरशिप है, ठीक हो गया। और जनाब अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जनाब सबसे पहले तो चीज़ ये है कि स्टूडेंट या तो यतीम हो, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है, या फिर जनाब 1 से लेकर 4 BPS के जो हमारे पास सर्वेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या जनाब आप माइनॉरिटी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो। देखा, इसमें भी जनाब अकलीतें आ गई हैं, क्या बात है जनाब। तो यहाँ पे भी जो एक बहुत प्यारा पैगाम दिया गया कि यानी कि जनाब वो बच्चे जो अकलीतों से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब जो स्टूडेंट डिसेबल हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद जनाब वो बच्चे जिनके कमाने वाले जो हैं, जिनके बड़े जो हैं वो शहीद हो गए हैं किसी भी अटैक में, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद वो स्टूडेंट जो डिवोर्स्ड मदर के अंडर आते हैं वो जनाब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाती है मुस्तफ़ा ब्रदर्स की स्कॉलरशिप अंडर 2024-2025। और जनाब अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो ये है जनाब 31 अक्टूबर 2024, यानी कि 31 अक्टूबर 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है ये जनाब स्पेशली जो DVM के स्टूडेंट के लिए, DVM के स्टूडेंट जनाब यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, क्या बात है, बड़ी जनाब मेहरबानी की गई है उन पर, ठीक हो गया। उसमें जनाब अगर हम बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो इसमें जनाब हर सेमेस्टर का बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन मेन शर्त वही है कि ये DVM के बच्चे होने चाहिए, ठीक हो गया। DVM से रिलेटेड हर सेमेस्टर का बच्चा जो इसमें अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद जनाब हमारे पास एक स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, ठीक हो गया। और यह है जनाब खुर्शीद बेगम मेमोरियल स्कॉलरशिप, और ये जनाब सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को जो है वो इनवाइट करते हैं अपनी स्कॉलरशिप के लिए। और ये स्कॉलरशिप जो है, और जो मेन चीज़ है, DSE ऑनर्स एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं, एक तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए और दूसरा सिर्फ और सिर्फ BSE ऑनर्स एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, ये किसी और डिग्री के लिए नहीं है। और जनाब मेन चीज़ क्या है कि जो कि एडमिट हुई हों 2024-25, यानी कि अगर आप देखें तो तीन चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनका पहला सेमेस्टर हो, वो स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ फीमेल्स हों, और वो स्टूडेंट्स जो कि BSE ऑनर्स एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हों। ये तीन क्राइटेरिया पर अगर आप पूरा उतरते हैं तो जनाब आप इसमें फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब ये सारी जो स्कॉलरशिप हैं वो अभी अवेलेबल हैं, जिनके बारे में आपको मैंने कंप्लीट डिटेल बता दिया है कि आप किस सेमेस्टर में हो या किस जो है वो आप डिग्री का हिस्सा हो तो आपको मिल सकती हैं, या स्पेसिफिक जो डिग्रीज हैं जिस तरह DVM वाली हैं, जिस तरह फीमेल्स वाली अलहदा रहता है, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरह जनाब मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, कि आपने जनाब अप्लाई कर दिया है ना, उनको जनाब आपकी सारी डिटेल चली गई है, तो आपने जनाब फिर सीन क्या करना है कि आपको एक मैसेज आ जाएगा जनाब इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको आएगा, ठीक है, उनको मैसेज आ जाएगा, उनको जगह वगैरह बता दी जाएगी और जनाब बता दिया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। आपने जनाब वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं और जनाब उस जगह पे ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम चले जाना है, ठीक हो गया। ज्यादातर क्या मांगते हैं जनाब, आपकी पर्सनल डिटेल, आपका घर कितने मरले का है, आपके पास मोबाइल कौन सा, ये ना आपके मोबाइल आपके पास जनाब वो 14 प्रो मैक्स और आप कहें जी मैं डिजर्विंग हूँ, ठीक है ना। उस तरह से गाड़ी कौन सी रखी हुई है, 14 किले होते बंदा कहे जी मैं डिजर्विंग हूँ, तो वो सीन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो है वो सारा कुछ आपका चेक करते हैं, इवन कि आपका बिजली का बिल भी चेक किया जाता है प्रीवियस मंथ्स का, ठीक है, कि बिजली का बिल अगर 50,000 आ रहा है तो जनाब आप डिजर्विंग कैसे हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो है वो सारा सिनेरियो चेक किया जाता है और आपका इंटरव्यू होता है, आपसे पूछे जाते हैं कुछ सवालात और एट द एंड जो वो फिर जज किया जाता है कि आपको स्कॉलरशिप देनी चाहिए या नहीं, और कुछ दिनों बाद जो फिर वो आपको कंफर्म हो जाता है कि जनाब आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिली है या नहीं मिली, आपको मैसेज भी आ जाता है और जो लिस्टिंग होती है उसमें भी फिर आपका नाम आ जाता है। तो जनाब ये सारा जो प्रोसीजर है जो मैंने आपको बता दिया। और अगर हम इदारे की बात करें कि किसके अंडर ये सारा कुछ होता है, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में DFA एक इदारा है जिसकी जनाब बिल्डिंग है वो VC साहब के ऑफिस के बिल्कुल साथ है, तो वहीं पर जो है जनाब हमारे इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, वहीं पर जो है हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होते हैं। तो जनाब फिर ये था आज का व्लॉग और यहीं पर करते हैं फिर आज के व्लॉग को एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। और जनाब अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आपने पूछना हो तो आप लाजमी पूछेगा, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके से या किसी और चीज़ पे हम ब्लॉग बनाएं तो हम वो भी बनाएंगे, इंशाल्लाह आप लाजमी कमेंट में जो है वो बता दिया करें, ठीक हो गया। तो जनाब फिर ये भी करते हैं आज के लोगों को एंड, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।